कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है या चंदन लगा देती है या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ाए। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीज की पत्ती पर चंदन लगाकर मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा